बंधुगण एही वर्ष गणेश चतुर्थी ठारु एही चारोटी राशि मानकर बहुत लाभदायक हेबो एमानकर भाग्य पूरा पूरी बदली जीवो तो आसंतु जानिबा सेही राशि गुडीक विषय रे किंतु ता पूर्वरु बंधुगण भिडीओटी को गोटे लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय श्री गणेश अवश्य लिखि दियंतु। सर्वप्रथम राशि हेउछि कुंभ राशि। कुंभ राशि पई आसुथिबा समय बहुत लाभदायक हेबो आपनकर खुशी बढ़िबो स्वास्थ्य को नहीं समस्या कम हेब स्वास्थ्य रे सुधार आसीब परिवार रे आपन को सहयोग प्राप्त हेब परिवार किंबा जीवन साथी को नहीं मतभेद थिले किंबा लव लाइफ रे समस्या थिला ताहा सब समाप्त हेब एवं शुभ परिणाम देखिबा को मिलिब। जेउ माने अविवाहित अटंती आसंता समय रे योग्य जीवन साथी मिलिब एवं जहा को संतान संबंधित समस्या रहिथिला सेमान को आसंता समय रे शुभ परिणाम देखिबा को मिलिब। जेउ माने व्यापार रे अछंती सेमानक व्यापार रे वृद्धि हेबो एथि सहित व्यापार रे आसुथिबा समस्या दूर हेबो एवं व्यापार रे उन्नति हेबो। जेउ माने चाकरी करुछंती सेमानक पई एही समय भल रहिबो आपनको प्रमोशन प्राप्त हेबो एवं आपनको उच्च पदस्थ व्यक्ति थारु सहयोग प्राप्त हेबो। जेउ शत्रु आपनकर थिला सेमाने भी आसुथिबा समय रे आपनको प्रशंसा करिवे एवं स्टूडेंट मानक पई एही समय लाभदायक हेबो। विदेश यात्रा रे जेउ समस्या थिला ताहा भी दूर हेबो। कुंभ राशि रो व्यक्ति को एही गणेश चतुर्थी थारु विशेष लाभदायक हेबो एवं आपनको समस्या भी कम हेबो सबु कार्य रे आपनको आत्मविश्वास भी बढ़िबो। द्वितीय राशि होछि कर्क राशि। कर्कट राशि रो व्यक्ति को पई एही समय बहुत लाभदायक हेबो खुशी बढ़िबो आपनको आपनको पितृ थारु कोनोसी धन लाभ हेबो समस्त मतभेद दूर हेब लव लाइफ को नहीं जो समस्या थिला ताहा समाप्त हेब एवं आपण स्वास्थ्य को नहीं जो चिंतित थिले सेथिरे आपण को समस्या कम हेब एवं स्वास्थ्य रे सुधार देखिबा को मिलिब। जेउ माने व्यवसाय करुछंती सेमानको व्यवसाय रे उन्नति मिलिब धन रे नुवा स्रोत मिलिब एवं लोकंकर आपणको उपरे भरोसा बढ़िब आपणको व्यवसाय रे उन्नति हेब। जेउ जगारे आपणको पैसा फसी रहिथिला सेथिरे भी लाभ हेब। जेउ माने जॉब करुछंती सेमानको पई एही समय लाभदायक हेब चिंता कमिब एवं आपणको सफलता भी प्राप्त हेब आपण आपणको लक्ष्य प्राप्त करि पारिबे। जदि आपण निजर व्यवसाय आरंभ करबाकु जाउछंती आर्थिक समस्या रहिथिला किबा लोकंको सहयोग प्राप्ति हेउ नथिला आसुथिबा समय रे आपणको सब समस्या दूर हेबो एवं आपणको आर्थिक सहयोग भी मिलिबो एवं व्यापार रे उन्नति हेबो। जदि आपण विदेश संबंधित समस्या को नि चिंतित तेबे आसुथिबा समय रे आपणको विदेश रो लाभ मिलिबो। जेउ व्यक्ति स्टूडेंट अटंती एवं विदेश जीवा पई चाहौछते सेमानको अधिक परिश्रम करबाकु पडिबो। तृतीय राशि हेउछि वृष राशि। वृष राशि व्यक्ति पई एहा बहुत भल लाभदायक रहिबो गणेशक कृपारु आपनको उपरे धनर वर्षा हेबो आपनको अटकितिबा कार्य पूरा हेबो स्वास्थ्य को नै आपनको समस्या दूर हेबो परिवार ठारु आपनको सहयोग प्राप्ति हेबो लव लाइफ रे प्रॉब्लम थिले निज बाणी उपरे नियंत्रण रखंतु साथी ठारु आपनको सहयोग प्राप्ति हेबो। जदि आपण व्यवसाय को नै चिंतित थिले व्यवसाय रे उन्नति हेउ नथिले तेबे आसुथिबा समय रे आपनको उन्नति हेबो इनकम रे वृद्धि हेबो एवं आपनकर अटकेथिबा कार्य पूर्ण हेबो व्यापार रे नुवा स्रोत प्राप्त हेबो जॉब करुथिबा व्यक्ति को श्रेष्ठ परिणाम मिलिबो आपनको प्रमोशन प्राप्त होई पारे एवं आपनको आर्थिक समस्या भी दूर हेबो लंबा समय रो आपन कर्ज को नै चिंतित थिले आसंता समय रे आपनको कर्ज भी दूर हेबो एवं विदेश संबंधित समस्या भी आपनकर दूर हेबो। जुआ खेल रे जदि इन्वेस्ट करुछंती तेबे आपनको सेथिरे क्षति सहिबाकु पड़ि पारे आसंता समय रे नुवा गाड़ी एवं घर किणिबार स्वप्न पूरा हेबो। चतुर्थ राशि हेउछि मीन राशि। मीन राशि पई आसुथिबा समय बहुत लाभदायक रहिबो आपनको स्वास्थ्य रे सुधार देखा जिवो एवं परिवार रे सहयोग प्राप्त हेबो साथी ठारु मतभेद दूर हेबो आपनको संतान ठारु शुभ परिमाण प्राप्त हेबो। जदि आपण लव लाइफ को नहीं चिंतित थिले सेथिरे भी आपनको शुभ परिणाम प्राप्त हेबो आपण अविवाहित अटंती तेबे आसुथिबा समय रे योग्य जीवन साथी प्राप्ति हेबो
ସନ୍ତାନ ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ଆସନ୍ତା ସମୟରେ ଶୁଭ ପରିଣାମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନିଜ ବ୍ୟାପାରରେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା ତାହା କମ୍ ହେବ। ବ୍ୟାପାରରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ରହିବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମନ ପସନ୍ଦର ପଦବୀ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ମାନ ସମ୍ମାନ ବଢିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସମୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆପଣ କେଉଁଠି ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ସେହି ଟଙ୍କା ଫସି ରହିଥିଲା ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ଟଙ୍କା ଫେରି ମିଳିବ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଯଦି କୌଣସି ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ ସେଥିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ବିବାଦ ରହିଥିଲା ତାହା ବି ଦୂର ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଆକସ୍ମିତ ଧନ ଲାଭ ହେବ। ଏଥିସହିତ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଖୁସିରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଯଦି ବିଦେଶରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ବିଜନେସ୍ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ ସେଥିରୁ ଲାଭ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଟନ୍ତି ବିଦେଶ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ସମୟ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ରହିବ। ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ଚଞ୍ଚଳରେ ଭୁଲ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରୁହନ୍ତୁ। ଲାଭରେ ଆସି କେଉଁଠି ନିବେଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଲୋଭରେ ଆସି କେଉଁଠି ନିବେଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜୁଆ ଖେଳ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଇନକମରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଇନକମରେ ଉନ୍ନତି ହେବା ସହିତ ସେଭିଙ୍ଗ ଉପରେ ବି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ବାଣୀ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। ବିବାଦ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ। ରାଗ ଏବଂ ଅହଙ୍କାର ଠାରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ।